अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर स्पोर्ट एंड लोकोमोशन के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। डिफरेंट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं हमारे पास, वो वन बाय वन देखेंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर वन है, अटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा आर लोकेटेड इन लंबर रीजन, थोरैकिक रीजन, सर्वाइकल रीजन, पेल्विक रीजन। तो हमारे पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं वर्टिब्रा के, सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल रीजन, फिर उसके बाद थोरैकिक, फिर लंबर, फिर उसके बाद सैक्रल एंड देन कॉक्सीजियल। तो हमारे पास जो है सर्वाइकल रीजन जो होता है इसमें टोटल 7 वर्टिब्राज होती हैं, और जो फर्स्ट टू होती हैं, फर्स्ट टू वर्टिब्रा होती हैं उनको एटलस और एक्सिस कहा जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर टू, स्केलेटल मसल कंटेन डार्क बैंड विच आर एन आइसोट्रॉपिक आर कॉल्ड। हमारे पास जो है डार्क बैंड होते हैं और लाइट बैंड होते हैं, और डार्क बैंड को एन आइसोट्रॉपिक कहा जाता है, जिनका मतलब होता है कि ये हमारे पास जो है नॉन पोलराइजिंग होते हैं, नॉन पोलराइजिंग होते हैं। और नॉन पोलराइजिंग बैंड हमारे पास कौन से होते हैं, बैंड होते हैं आई बैंड होते हैं, जी बैंड होते हैं, एम लाइन होते हैं। तो दो तरह के मेनली बैंड होते हैं, आई बैंड और ए बैंड। तो ए बैंड इनमें जो है वो डार्क बैंड कहलाते हैं या फिर एन आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं, जबकि आई बैंड जो होते हैं ये हमारे पास जो है लाइट बैंड कहलाते हैं और ये हमारे पास जो है आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर थ्री, एसिटाबुलम प्रोवाइड्स द आर्टिकुलर सरफेस फॉर द ह्यूमरस, फीवर, फीमर, पेल्विस, फिबुला। तो एसिटाबुलम जो होता है ये हमारे पास जो है हिप बोन में जो है वो पाया जाता है, और हिप बोन के साथ जो है हमारे पास जो अटैचमेंट होती है वो हमारे पास जो है फीमर की होती है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा एमसीक्यूज नंबर थ्री का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर फोर, स्कैपुला इज कनेक्टेड विद स्टर्नम बाय रिब्स, कार्पल, क्लेविकल, एटलस। तो रिब्स जो हैं वो हमारे पास जो है थॉरक्स को कवर करती हैं, और जो हमारे पास जो है कार्पल जो होती है वो हैंड की बोन होती है, और एटलस जो है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, और जबकि क्लेविकल जो होती है ये हमारे पास जो है स्कैपुला को स्टर्नम के साथ जोड़ती है। इस तरह करके जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है वो स्कैपुला होती है, और ये हमारे पास जो है दरमियान में जो है वो स्टर्नम होती है। इसी तरह इधर भी जो है वो दूसरी साइड पे भी हमारे पास स्टर्नम होती है, और यहाँ पर जो है एक बोन होती है जिसको हम जो है कॉलर बोन कहा जाता है या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, तो उसको जो है वो हम जो है क्लेविकल कहते हैं, और ये हमारे पास स्टर्नम और स्कैपुला को आपस में कनेक्ट करती है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर फाइव, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ स्मूथ मसल। कौन सी स्टेटमेंट जो है स्मूथ मसल्स को करेक्टली डिस्क्राइब करती है, अनसैचुरेटेड इनवोलेंट्री विद स्पिंडल शेप सेल, अनसैचुरेटेड इनवोलेंट्री विद मल्टी न्यूक्लियेट सेल, अनसैचुरेटेड वोलेंट्री विद यूनि न्यूक्लियेट सेल, सैचुरेटेड इनवोलेंट्री विद स्पिंडल शेप सेल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कंपैरिजन है थ्री टाइप्स ऑफ मसल का, स्मूथ मसल का उसने क्वेश्चन पूछा है हमारे पास। स्मूथ मसल जो है अनस्ट्रिप्ड या अनसैचुरेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और ये हमारे पास जो है इनवोलेंट्री होते हैं, वोलेंट्री कंट्रोल इनके पास जो है वो नहीं होता। और इसी तरह कार्डियक मसल्स में भी इरेगुलर सैचुरेशन पाई जाती है, ब्रांच्ड होते हैं, और इनमें भी जो है इनवोलेंट्री कंट्रोल जो है वो होता है, यानी इनके पास जो है वोलेंट्री कंट्रोल नहीं होता। दूसरा हमारे पास जो है स्केलेटन मसल्स होते हैं, रेगुलर स्ट्रिप्ड होती है, स्पिंडल और सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं, लेकिन इनमें जो है वो हमारे पास वोलेंट्री कंट्रोल होता है। तो क्वेश्चन था हमारा जो है स्मूथ मसल्स के रिलेटेड, तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होंगे, इनवोलेंट्री होंगे, स्पिंडल शेप होगी। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सिक्स है, थिन मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन, एक्टिन ट्रोपोसिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन फिब्रिन, एक्टिन मायोग्लोबिन ट्रोपोनिन। तो हमारे पास जो है ऑप्शन अल्फ़ा में जो है मायोसिन जो है ये थिक फिलामेंट का पार्ट है, ऑप्शन चार्ली में फिब्रिन जो है थिन फिलामेंट का पार्ट नहीं है, और ऑप्शन डेल्टा में मायोग्लोबिन। तो ऑप्शन बीटा जो है यहाँ पर राइट है, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे पास थिन मायोफिलामेंट के पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सी चेंजेस होती हैं, ए बैंड शॉर्टन, आई बैंड शॉर्टन, जी लैंड मूव्स फर्दर अपार्ट, एस जोन बिकम विजिबल। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है
ए बैंड जो होता है वो हमारे पास जो है शॉर्ट नहीं होता, बल्कि उसकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। जेड लाइन जो होती हैं मूव अपार्ट नहीं होती बल्कि मूव क्लोज़र होती हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर जो है रॉन्ग हो गया। और जेड जोन जो है, एच जोन जो है वो विजिबल नहीं होता बल्कि वो डिसअपियर हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन जो है राइट है। आई बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाता है लेंथ में, तो बीटा ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 7 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है। ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोडक्टेड बाय मेनली, ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन जो हैं किस चीज़ से जो है वो हमारे पास जो है प्रोटेक्ट होते हैं। हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन, एक्सोस्केल्टन, एक्जियल स्केल्टन, अपेंडिकुलर स्केल्टन। तो यहाँ पर जो है अपेंडिकुलर स्केल्टन जो होता है ये हमारे पास जो है दो तरह के स्केल्टन को डिवाइड किया जाता है, हमारे पास एक्जियल स्केल्टन और अपेंडिकुलर स्केल्टन। अपेंडिकुलर स्केल्टन जो है वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को जो है वो क्लासीफाई करता है, और एक्जियल स्केल्टन जो होता है ये हमारे पास जो है हेड नेक और उसके अलावा जो है हमारे पास मेन जो बॉडी होती है थॉरक्स और एब्डोमेन उसमें जो है उनके ऑर्गन को कवर करता है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है। आर्म्स एंड लेग मसल्स आर अरेंज्ड इन एंटागोनिस्टिक पेयर, हाउ डज दिस अफेक्ट देयर फंक्शनिंग। मेनली इसने पूछा है कि आर्म और लेग मसल जो होते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर में जो है वो अरेंज होते हैं, और ये उनको अफेक्ट कैसे करता है फंक्शनिंग, तो उसने एंटागोनिस्टिक पेयर की जो है एंटागोनिस्टिक मसल की फंक्शनिंग पूछी है। इट प्रोवाइड्स अ बैकअप इफ वन मसल इज इंजर्ड, वन मसल ऑफ द पेयर पुशेस वाइल द अदर मसल्स पुल, इट अलाउज द मसल टू प्रोड्यूस पॉजिंग मूवमेंट, इट डबल्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है मुखालिफ यानी अपोजिट, तो यहाँ पर हमारे पास जो है पॉजिंग मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है मसल्स में, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इन ह्यूमन आर्म विल वुड करस्पॉन्ड टू द फीमर इन द लेग, तो जिस जगह पर हमारे पास जो है फीमर होती है लेग में उस जगह पर ह्यूमन आर्म में कौन सी बोन होती है, तो रेडियस, अल्ना, टिबिया और ह्यूमरस, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन जो डेल्टा ऑप्शन सॉरी राइट होगा। ह्यूमरस जो है वो फीमर को करस्पॉन्ड करती है, और टिबिया यहाँ पर जो है लेग की मसल है, लेग में जहाँ पर हमारे पास जो है टिबिया और फेबूला पाई जाती है वहाँ पर हमारे पास जो है ह्यूमन आर्म में जो है वो हमारे पास रेडियस और अल्ना पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है। डीप इन फोल्डिंग्स ऑफ द मसल फाइबर्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, डीप इन फोल्डिंग जो होती हैं हमारे पास मसल फाइबर्स की, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जेड लाइंस, टी टब्यूल्स, सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मसल फाइबर का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल फाइबर का, और टी टब्यूल जो होता है ये डीप इन फोल्डिंग्स होती हैं मसल फाइबर्स की, मसल फाइबर मेम्ब्रेन्स की। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है। बोन डिजॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। तो हमारे पास जो है ऑस्टियोसाइट ये है हमारे पास जो है बोन सेल्स होते हैं बोन के जो है कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं ये हमारे पास कार्टिलेज के जो है वो सेल्स होते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये हमारे पास जो है बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास जो है ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये हमारे पास बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, कैल्सीफाइड है, फिब्रस है, इलास्टिक है, हायलाइन है, तो यहाँ पर हायलाइन कार्टिलेज जो होता है ये हमारे पास एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, और ये इसके अलावा जो है हमारे पास नोज़ वगैरह में भी पाया जाता है, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14 है। एट टाइम्स लिगामेंट्स आर ओवर स्ट्रेच और टॉर्न, इट इज़ कॉल्ड, यानी लिगामेंट जो है ओवर स्ट्रेच या फिर टॉर्न हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्प्रेन, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, टेंशन। तो फ्रैक्चर जो होता है ये हमारे पास जो है बोन का होता है, डिसलोकेशन जो होती है ये हमारे पास जो है जॉइंट्स की होती है, और लिगामेंट्स में हमारे पास जो है स्प्रेन होता है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है, लास्ट एमसीक्यूज है। विच आयन इज़ असेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा आयन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नेसेसरी है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम जो है हमारे पास जो है आयन जो है ये हमारे पास जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म में जो है वो अहम रोल प्ले करता है, तो यहाँ पर जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज जो है वो कम्प्लीट होते हैं,
स्पोर्ट एंड लोकोमोशन के चैप्टर नंबर 16 के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेगा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।